दोस्तों, दूसरे T20 में अगर हुई बारिश तो कौन बनेगा इस सीरीज का विजेता। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों की श्रृंखला खेल रही है, जिसके पहले T20 मुकाबला जो कि डबलिन में खेला गया, उस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से शानदार जीत का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद भारतीय टीम को अपना अगला मुकाबला 28 जून को डबलिन के ही मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ 9 बजे से खेलना है। लेकिन दोस्तों, पहले मुकाबले की बात करें तो पहला मुकाबला भी बारिश से पूरी तरह से धुलने से बचा था, क्योंकि उस मुकाबले में भारतीय टीम ने यहाँ पर पहले गेंदबाजी करते हुए जब शुरू किया खेल को तो 12 ओवर्स का ही खेल हुआ, क्योंकि दोस्तों डबलिन में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिस वजह से लग ही रहा था कि मैच शुरू नहीं होगा। पर फिर मैच शुरू हुआ तो भारतीय टीम को 12 ओवर्स का यह मुकाबला खेलना पड़ा, जिसमें आयरलैंड ने 12 ओवर में 108 रन बनाए थे। वहीं भारतीय टीम ने 9.2 ओवर्स में इस मुकाबले को आसानी से चेज कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह होता है कि अगर दूसरे मैच में पूरी तरह से बारिश ही होती रही तो क्या होगा भारतीय टीम का रिजल्ट। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले के लिए रिजल्ट क्या होगा ये आपको समझ आना चाहिए। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम को अगर देखा जाए तो दूसरे T20 मुकाबले में वो सीरीज जीत जाएगी अगर पूरी तरह से पूरा दिन बारिश होती रही, क्योंकि दोस्तों अगर उस मुकाबले में पूरे दिन बारिश होगी तो भारतीय टीम को इस सीरीज को जीता देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम 1-0 से इस सीरीज में आगे चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दूसरे मुकाबले में बारिश होगी, अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैच का रोमांच बना रहेगा। आपके हिसाब से क्या दूसरा T20 मुकाबला रद्द हो सकता है, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।